हेलो स्टूडेंट, होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। आज का मेरा जो वीडियो लेक्चर है, इसमें स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने इसके बारे में लास्ट सेशन में भी डिस्कशन किया था कि अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में, जिसमें हमने बताया था प्लस माइनस एब्सोल्यूट डिवाइड परसेंट यूज करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में भी हमने डिस्कशन किया था, इसमें लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू के बारे में डिस्कशन किए थे। आज जो हम लोग ऑपरेटर के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, दैट ऑपरेटर इज, दैट ऑपरेटर इज लॉजिकल ऑपरेटर। दैट लॉजिकल ऑपरेटर इज ऑल्सो कॉल्ड इन एसक्यूएल बुलियन ऑपरेटर। आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने C++ में भी पढ़ा था, देर आर 8 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, जिसमें हम लोगों ने वहां पर लॉजिकल ऑपरेटर डिस्कशन किया था, और वहां भी हमने डिस्कशन किया था एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, जहां पर रिजल्ट ट्रू और फॉल्स में आता है। तो यहां पर उसको हम लोग बुलियन ऑपरेटर के तौर पर भी यूज करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज करेंगे, उसको बोल सकते हैं बुलियन ऑपरेटर के तौर पर यूज करेंगे। यहां भी एंड और नॉट का यूज करेंगे। देखिए, यहां पर बुलियन ऑपरेटर आर द वन विच आर आइदर ट्रू और फॉल्स, दे आर यूज टू कंबाइन वन और मोर कंडीशंस। द लिस्ट ऑफ बुलियन लॉजिकल ऑपरेटर with the meaning is shown below. जैसा कि हमने बताया कि लॉजिकल ऑपरेटर में तीन तरह का ऑपरेटर मेनली हमने यूज करेंगे, जिसमें एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर का हम लोग यूज करेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि एंड ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं, कब यूज करते हैं। When both condition is true, then it gives true. If any one is false, it gives false. अगर दोनों कंडीशन सही रहेगा तो आंसर ट्रू आएगा, ट्रू मीन्स आंसर देगा। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होगा, इट विल नॉट गिव एनी आंसर, दैट मीन्स गिव फॉल्स। ठीक है, आप सभी जानते हैं ट्रू टेबल ऑफ एंड ऑपरेटर जानते होंगे, दो ट्रू 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 फॉल्स 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 फॉल्स। ठीक है, यहाँ पर एंड ऑपरेटर के बदले में डबल एम्परसेंड भी यूज करते हैं। एडवांस जो ओरेकल का जो वर्जन है उसमें एंड डबल एंड भी यूज करते हैं। इसमें क्या बोला, टेक्स्ट टू बुलियन आर्गुमेंट एज इनपुट एंड रिटर्न ट्रू, इफ बोथ इनपुट आर ट्रू। यू कैन यूज डबल एम्परसेंड इन प्लेस ऑफ एंड ऑपरेटर। उसी तरीके से है दूसरा, और ऑपरेटर। और ऑपरेटर के बारे में बताता चलूं कि और ऑपरेटर के बारे में कि इफ एनी वन इज ट्रू, इट गिव्स ट्रू। एक भी अगर सही होगा तो ये आंसर सही देगा, गिव्स ट्रू आंसर। इस तरीके से एंड में था If both condition is true, then it gives true. Or में just इसका opposite है, If any one is true, it gives true. If both are true, it gives also true. If both are false, it gives false. इसका truth table आप जानिएगा, ये boolean algebra पढ़िएगा, true true true, false false false, true false true. देखिए यहाँ पर क्या बोला, text to boolean argument as input and return true if any one is true. You can use double vertical pipe in place of or operator. Generally हम लोग or ही use करते हैं, ऐसे आप उसको यूज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट वन है नॉट। नॉट में निगेशन यूज कर रहे हैं, टेक्स ए सिंगल बुलियन आर्गुमेंट एंड चेंज इट्स वैल्यू फ्रॉम फॉल्स टू ट्रू और फ्रॉम ट्रू टू फॉल्स। इसमें क्या होता है, ट्रू को फॉल्स कर देगा, अगर ट्रू है तो फॉल्स करेगा, फॉल्स है तो फिर ट्रू करेगा, यस उसका उल्टा आंसर देता है। अगर ट्रू आंसर है तो फॉल्स में आएगा, फॉल्स है तो ट्रू करेगा। यू कैन यूज एक्सक्लेमेशन पॉइंट इन प्लेस ऑफ दिस। ये तीन ऑपरेटर है बेसिकली जो हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर में यूज करेंगे, जिसको आप यहाँ पर बुलियन ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। अब हम लोग आपको एक एग्जांपल देंगे, देन आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाएंगे। सपोज कीजिए कि एक टेबल है, कस्टमर टेबल जो ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे फील्ड है, आईडी है, नेम है, एज, एड्रेस एंड सैलरी है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम दिखा रहे हैं, कंसीडर द कस्टमर टेबल हैविंग द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स। हियर द सिंपल एग्जाम्पल ऑफ एग्जाम्पल शोइंग एसक्यूएल कंपैरिजन ऑपरेटर। यहाँ हम क्या करें, सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम कस्टमर वेयर एज ग्रेटर देन 25 एंड सैलरी ग्रेटर देन 6500। ये दोनों कंडीशन सही होगा तभी आंसर देगा। आप देख सकते हैं इस रिकॉर्ड में कि किसका एज 25 से बड़ा या बराबर है, साथ ही साथ सैलरी 6500 से बड़ा या बराबर है। तो हम देखेंगे कि दो रिकॉर्ड इसमें है, 4 और 5, जिसका 25 और 27 है, और इसका जो सैलरी है 65000 या 85 है,
बाकी उसको इनवैलिड कर रहा है, तो दो रिकॉर्ड को फेच किया। क्यों? क्योंकि ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट देखिए एक और एग्जाम्पल हम दे रहे हैं और ऑपरेटर का। अगर हम यहाँ और लगा देंगे क्या होगा? एज ग्रेटर देन इक्वल टू 25 और सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 62,500, तो इफ एनी वन इज ट्रू इट गिव्स ट्रू। ये 32 है, 25, 25, 27 है, ये सब दे देगा, सेवन रिकॉर्ड को वैलिड कर रहा है। दोनों में से एक भी सही होगा तो आंसर सही होगा। एक और है नॉट नल, इज नॉट नल, इसमें हम लोग यूज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे सेलेक्ट एसटी फ्रॉम कस्टमर, एज इज नॉट नल, हम चेक कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ उसका वैल्यू नॉट नल है, मिसिंग वैल्यू है। तो यहाँ कोई ऐसा मिसिंग वैल्यू नहीं है, तो नल मतलब मिसिंग वैल्यू, नॉट नल अगर मिसिंग है तो उसको दिखाएगा। फिलहाल सभी में एंट्री किया हुआ है इसलिए सभी रिकॉर्ड को दिखाएगा। तो ये तीन ऑपरेटर का हम लोग प्रैक्टिकल यूज करके अभी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल ये एग्जाम्पल था, इसको भी आप देखकर समझ सकते हैं। वैसे हम एक और आपको प्रैक्टिकल सेशन करके बता रहे हैं। देखिए यहाँ कि एक फील्ड है जिसका नाम, एक टेबल है जिसमें स्टूडेंट नाम है, जिसमें फील्ड है रोल नेम मार्क्स, इसमें तीन फील्ड ले रहे हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमने दिया है। डिस्प्ले दोज रिकॉर्ड हिज नेम इज अमित एंड मार्क्स इज ग्रेटर देन 65 ऑफ द टेबल स्टूडेंट, तो सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इज अमित एंड मार्क्स ग्रेटर देन 65, गिव सम रिजल्ट। उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है डिस्प्ले दोज रिकॉर्ड हिज नेम इज अमित और एज अ ऑफ द टेबल स्टूडेंट, वैसे रिकॉर्ड को दिखाइए जिसका नाम अमित हो या ऐसा हो, इसमें क्या करेगा? दोनों को दिखा देगा। डिस्प्ले दोज रिकॉर्ड हुज नेम हुज मार्क्स इज नॉट 56, जिसका मार्क्स 56 नहीं है उसको दिखाइए, दैट मींस क्या करेगा? अमित और ऐसा, ये दोनों को रिकॉर्ड को शो करेगा। तो अभी हम इसको आपको प्रैक्टिकल करके शो करेंगे। लेट्स सी, यहां पर इसको हम लोग मिनिमाइज करते हैं। आफ्टर दैट एसक्यूएल ओपन करेंगे। जैसा कि आप सभी को याद है कि हम लोग क्या पासवर्ड देते हैं इसका, स्कॉट एंड टाइगर। उसके बाद यहाँ एक टेबल होगा ऑलरेडी यहाँ पर बिल्ट होगा, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूड वन नहीं है तो हम लोग चेक करेंगे यहाँ से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब। ये आपको सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब, ये बहुत सारे रिकॉर्ड जो है आपके इसको शो करेगा। तो हम इसको देखते हैं इसमें क्या है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूड टू, ये टेबल है, इसमें हम उस क्वेश्चन को शो करेंगे जो हम लोगों ने प्रैक्टिकल सेशन यहाँ पर आपको बताया। जो मेरा क्वेश्चन था, ये मेरा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन है पहला कि वैसे रिकॉर्ड को दिखाइए जिसका नाम अमित है और साथ ही साथ उसका आपको मार्क्स ग्रेटर देन 65 है। तो हम लोग यहाँ कैसे लिखेंगे, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ हम लोग लिखेंगे कि सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूड टू वेयर नेम इक्वल टू सिंगल कोट्स में अमित, या अमित दिया है तो हम यहां पर कुछ और नाम दे देते हैं, जैसे यहां पर दे देते हैं आसिफ दे देते हैं, एंड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं यहां पर, एंड मार्क्स ग्रेटर देन यहाँ 65 दिया है, 65 से बड़ा कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो हम यहाँ पर इसका इसमें कंडीशन थोड़ा हम यहाँ चेंज करेंगे, ग्रेटर देन यहाँ पर लिखेंगे 60, ग्रेटर देन इक्वल टू 60। ये देखिए हमने टेबल का को देखते हुए क्वेश्चन में चेंजेस किया है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट विद नेम इज आसिफ एंड मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, नेम आसिफ है और मार्क्स क्या है 60 से बड़ा या बराबर है, तो ये रिकॉर्ड देगा। अगर यहीं पर हम यहाँ और यूज करेंगे, देखिए क्या रिकॉर्ड रिजल्ट देगा। यू कैन सी
और मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60. ये क्या कर रहा है कि और है, इफ एनी कंडीशन इज ट्रू इट गिव्स टू और ऑपरेटर में क्या हो रहा है यहां पे कि नेम आसिफ का वो भी मिल गया, 60 से बड़ा या बराबर क्या है, एजा को भी शो कर रहा है और आसिफ को भी शो कर रहा है, दैट मीन्स कि दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, दैट मीन्स गिव्स बोथ रिकॉर्ड. नेक्स्ट जो लास्ट है कि वैसे रिकॉर्ड को दिखाई जिसका मार्क्स 40 नहीं है, जैसे यहाँ 56 दिया है, तो हमने यहाँ पर उसको लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूड टू वेयर ब्रैकेट में लिखेंगे नॉट मार्क्स इक्वल टू 40. देखिए यहाँ पे नॉट मार्क्स इक्वल 40, दैट मीन्स कि जो जो मार्क्स 40 है उसको छोड़कर सबको दिखाओ, ये नॉट लगा दिया है. तो यहाँ पर क्या शो कर रहा है, यहाँ पर ये बता रहा है कि आप वैसे रिकॉर्ड को शो कर रहे हैं जिसका मार्क्स 40 नहीं है, दैट मीन्स चार रिकॉर्ड में 40 को छोड़कर 62 रिकॉर्ड है. इस तरीके से आप इस प्रैक्टिकल को आप लोग अपना घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा और उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा. उम्मीद ये भी करते हैं कि जितना भी हम पढ़ा रहे हैं उसको आप घर में प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है, या कॉलेज खुलेगा तो फिर दोबारा आप डिस्कशन कीजिएगा, ठीक है, ओके, थैंक यू.